गुजरात में फिर से खिला कमान, हिमाचल में भी छाया भगवा, दोनों राज्यों में बीजेपी को मिला स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बतौर अध्यक्ष हुई पहली हार। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस ने बीजेपी के छुड़ाए छक्के, 9 में से महज 3 सीटों पर सिमटी बीजेपी, वडगांव से जुगिनेश मेवाणी ने दर्ज की जीत। सीएम योगी ने गुजरात और हिमाचल में ऐतिहासिक जीत का पीएम मोदी और अमित शाह को दिया श्रेय, कहा कार्यकर्ताओं दोनों नेताओं की मेहनत का है नतीजा। इटावा पहुंचे यूपी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, दोनों प्रदेशों के राज्यपालों ने हिंदी सेवानिधि के कार्यक्रम में की शिरकत, कार्यक्रम में साहित्यकारों कलाकारों को किया गया सम्मानित। मैनपुरी में 13 दिसंबर को देश हुआ था शर्मिंदा, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने का किया गया था प्रयास, आरोपी फरार, परिजन ने पीएम और सीएम से की न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव पर और आपके साथ हाजिर हूं मैं कायनत अंसारी। ऑल इंडिया लिमिटेड के मौरान क्षेत्र में तेल का पता लगाने के काम में जुटे 1700 श्रमिकों ने काम बंद कर अपना अधिकार पाने के लिए कंपनी का घेराव किया। श्रमिकों के अनुसार अनुसंधान हेतु 58 किलोग्राम की तार बैटरियां साइकिल पर लेकर दुर्गम क्षेत्रों में उन्हें जाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पहले एक तार के लिए 2 श्रमिक तथा प्रत्येक को 230 रुपए मजदूरी दी जाती थी, जबकि अब एक श्रमिक कर दिया गया है, साथ ही मजदूरी भी घटाकर 200 रुपए कर दी गई है। मजदूरों ने इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। जब केबल का काम हुआ था तो एक केबल में 2 आदमी दिया था और एक आदमी को 200 रुपये मिला था पर डे। तो अभी क्या हुआ कि एक केबल में एक आदमी 200 रुपये, तो जिन लोगों ने ये काम किया है वो सब गांव का आदमी है, पत्थर में खेत करते हैं, जो इतना दूर से साइकिल में यहाँ काम करने के लिए आए हैं और वो लोग 200 रुपये में, जो 200 रुपये मिलता है वो 200 रुपये से घर नहीं चलता है। असम में उच्च न्यायालय के निर्देश से राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी उन्नतीकरण का काम जोरों से जारी है। इसी एनआरसी प्रक्रिया के तहत बिहार और वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री देवानंद कुंवर से नेशनल लाइव से के ब्यूरो चीफ प्रमोद मल और स्टेट कोऑर्डिनेटर किरण गोगोई ने खास बातचीत की। पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर ने बताया कि एनआरसी को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और जो भी भारतीय नागरिक हैं उनका नाम एनआरसी में जरूर दर्ज होगा। एनआरसी जिसका मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट्स गोइंग, ये अभी इसको प्रिपरेशन हो रहा है। इसको प्रिपरेशन में एक बात हमेशा याद रखना है, इसमें कोई मिस्टेक का कोई स्थान नहीं है, इट मस्ट बी ए जीरो मिस्टेक डॉक्यूमेंट। नागरिक का नेशनल रजिस्टर है जिसके ऊपर में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोरिटी लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको उसमें भरोसा करने होता है और करने होगा। असम के गोलाघाट में चाय बगान मालिक द्वारा मजदूरों पर गोलियां चलाए जाने पर असम चाय जनजाति छात्र संस्था के निर्देश पर चराईदेव के महामारा राजस्व चक्रधारी कार्यालय के सामने 2 घंटों तक धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन के जरिए घटना का पुरजोर विरोध किया गया, साथ ही घटना में घायल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के बाद राजस्व चक्रधारी कर्मशय बिटुपन नेउग तथा तन्वी अहमद के द्वारा संगठनों ने स्मारक पत्र मुख्यमंत्री को दिया। जो हम लोग का सास रोमी के काम करता है बगान में, उन लोगों का जो दुर्गा पूजा में बनास देने वाला बात था तो बनास नहीं देंगे, दिसंबर का आपका 12 तारीख को बनास देने वाला था, लेकिन जो 12 तारीख में बनास नहीं हुआ, 13 तारीख को सास रोमी जो हम लोगों का बगान का सास रोमी है सब मैनेजर को जाकर पूछा जो हम लोगों का बनास क्यों नहीं दिया, उतना पूछे में मैनेजर उन लोगों का ऊपर गोली चालना किया, उसको हम लोग अखम सात जनजाति छात्रोहन था हमारा आंचलिक समिति गोरिहना देता है।
असम के तिनसुकिया में चाय जनजाति छात्र संस्था द्वारा चाय श्रमिकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। श्रमिकों ने दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए करने, चाय बागानों में उन्नत मापदंड के चिकित्सालयों की व्यवस्था की मांग को लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान चाय जनजाति छात्र संस्था के सदस्यों ने सरकार और श्रम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो संस्था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आरंभ करने के लिए मजबूर होगी। असम का एक बृहत जनगोष्ठी का लोग चाय बागान में काम कर रहा है बहुत दिन से, और ये लोग अपना प्राप्य अधिकार खोजने के लिए जब भी निकल जाता है तब तो, लेकिन सरकार हो या श्रम विभाग हो इसका सहाय सहयोग करने से इनकार करता है। इसीलिए हम लोग आज तिनसुकिया जिला समिति ने श्रम आयुक्त का ऑफिस में हम लोग असम सरकार का अंतर्गत श्रम विभाग का अगेंस्ट में हम लोग एक कार्यसूची लिया है। असम के चराईदेव में सतनामी समाज के गुरु बाबा घासीदास का 261वां जयंती समारोह केंद्रीय रूप से पालन किया गया। कठियान खुदा गांव के लोगों ने उल्लास और खुशी के साथ कार्यक्रम का शतवार्षिक का पालन किया। गुरु के आसन को स्थापित यहां किया गया। सतनामी समाज के जय सप्तम धर्मीजय ध्वज यहां फहराया गया। सभी पुरुष और महिलाओं ने गुरु की आरती की, उनके ऊपर अपने विचार रखे। युवक युवतियों ने धार्मिक नृत्य प्रदर्शन किया। हमारे सतनाम धर्म प्रवर्तक श्री श्री गुरु घासीदास बाबा ने प्रसार किया है, इस धर्म को उसने उद्भवन किया है और आज समग्र भारत में 18 दिसंबर पालन किया जा रहा है गुरु जयंती दिन हिसाब में, और उसके साथ संपर्क को रखते हुए हमारे असम में विभिन्न प्रांत में सतनामी लोगों ने इस 18 दिसंबर तारीख को गुरु जयंती मानकर आज सभी जगह पर उसका जन्मदिवस पालन किया जा रहा है। असम के शौनकपुर में बालीपाड़ा हाई स्कूल में भारतीय सेना के भूतपूर्व सेना के जवानों को लेकर वृद्ध सभा का आयोजन किया गया। रैली में जिला स्तर के पेंशनधारी भूतपूर्व सैनिकों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को मिलने वाली असुविधाओं का समाधान होने की भी यहां बात की गई। इसके अलावा सेना के जवानों द्वारा अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन किया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नेशन लाइव के साथ, देखते रहिए असम लाइव। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ, हर पल आपके साथ। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। अगर है कोई शारीरिक परेशानी या मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं आप, हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। नेशन लाइव पर, हर पल आपके साथ।
पावर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा, समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा, खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा। आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। Get the best of DTH channels and internet content on your TV. Presenting Airtel Internet TV. किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका असम लाइव में। बढ़ते हैं आगे। असम के वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में गैर सरकारी संस्था सृष्टि के सौजन्य से राष्ट्रीय वाणिज्यिक मेले का आयोजन किया गया। 15 दिसंबर से शुरू हुआ यह मेला 26 दिसंबर तक चलेगा। मेले में स्थानीय सामानों के साथ साथ देश के विभिन्न स्थानों से तकरीबन 50 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। सृष्टि एनजीओ का एक मेंबर हूं। ये टेकफेयर तिनसुकिया में 15 दिसंबर से आपका 26 दिसंबर तक चलेगा। और ये हम लोग पहले बार आया हो तिनसुकिया में, इधर में आपका नेशनल एग्जीबिशन है। एक्चुअली ये दिल्ली हरियाणा जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट बेसिकली असम का सब पार्टिसिपेट किया है। असम के गोलाघाट की सड़कों पर डेंड्राइड व्हाइटनर का सेवन कर नशे की हालत में छोटे छोटे बच्चों को शैतानी आम बात हो गई है। गोलाघाट में 5 से 10 वर्ष की आयु वाले कुछ बच्चों को डेंड्राइड और व्हाइटनर आदि वस्तुओं के सेवन कर नशे का आदि हो चुके हैं। नशे की चपेट में आने वाले इन बच्चों से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। इस डेंड्राइड के नशे की लत में आकर अनेकों किशोर बच्चे आपराधिक गतिविधियों में पकड़े जाने पर पुलिस के मेहमान भी बन चुके हैं। इसके अलावा कई प्रकार के अनैतिक कार्यों में जुड़े होने के आरोप भी बच्चों पर लगते रहते हैं। आजकल गोलाघाट में छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है कि 5 या 11 साल के बच्चे को कार्टन वगैरह उठाकर वो बेचकर डेंड्राइड खाकर रात में पूरा मताल हो जाता है। लेकिन वो गोलाघाट प्रशासन उसके बारे में कोई गुरुत्व प्रदान नहीं किया है। चिल्ड्रेन लोगों को ऐसे होने से क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए गोलाघाट प्रशासन को हम ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटा वाला बच्चा है ना, उसको
जो जो देने खाने का वो निशा का वस्तु खाने खा रहा ना उसको रुका जल्द से रोक। असम के नगांव जिले में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई है। दुर्घटना एक टोयोटा ईटीएस द्वारा स्कूटी में टक्कर मारने से हुई। मृतक की पहचान मुनिंद्र कुमार बौरा के रूप में हुई है। अपने घर से आ रही थी तभी एक टोयोटा गाड़ी में उसने मार दिया, टक्कर लग गया। रास्ता पार होने के समय कौन जगह में वो था डागरगढ़ था, डागरगढ़ हाईस्कूल के सामने है, बाईपास में। उसका हस्बैंड का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? असम के बक्सा में 2008 में कुछ युवकों द्वारा खोजा गया स्थल बोगामती आज पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। भारत भूटान सीमा पर स्थित ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जानकारी के अनुसार साल 2008 में कुछ स्थानीय युवकों ने इसे खोजा था और एक पर्यटन स्थली का इसे रूप दिया था। वहीं भारत भूटान सीमा पर बसाया गया ये बोगामती स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। वहीं भूटान के पहाड़ों से गिरने वाले झरने यहां आने वाले लोगों के दिल में ठंडक पहुंचाते हैं। वहीं बोगामती आने वाले लोगों को रिझाने के लिए बीटीसी के कार्यकारी सदस्य गणेश कछारी के साथ ही राज्यसभा सांसद बिस्वजीत देमारी भी दिन रात एक कर बोगामती को आकर्षित बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बोगामती के पहाड़ों के बीच सांसद द्वारा एक 25 फीट ऊंची बुद्ध भगवान की प्रतिमा भी स्थापित कराई गई है। नया साल आते ही पिकनिक ग्रुप का आना यहां शुरू हो जाता है। वहीं डौरीझार इको टूरिज्म नामक एक एनजीओ द्वारा इसका खासा ध्यान रखा जाता है। इसी क्रम में आज सुकलाई सेरफांग टीसीएलसी अध्यक्ष रुद्र सुदेवी ने फीता काटकर बोगामती को इस वर्ष के लिए शुरू किया। बोगामती जो भारत भूटान सीमांत इलाका जो है भाई बक्सा और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर, यहाँ पर आसाम के हर प्रांत से आदमी लोग ये नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने पूरा यहाँ पिकनिक खाने के लिए आता है। तो यहाँ का मुख्य आकर्षण हमारा जो एमपी विश्वजीत दहीमारी है उन्हें एक बुद्ध का मूर्ति यहाँ बना दिया, वो विशेष आकर्षण है। असम के नलबारी में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। ये खेल उत्तरी नलबारी क्रीड़ा संस्था के उद्योग में प्रयात श्रीकांत कलिता सरत ताकुलदार सर्वेश्वर तालुकदार सोवरिनी द्वारा आयोजित किया गया। खेल में 8 दलों ने हिस्सा लिया। मैच के फाइनल में बरागरा स्पोर्ट्स क्लब ने खुखुंदी ग्लैमर क्लब को एक गोल से हरा दिया। फाइनल खेल के विजेता को ट्रॉफी के साथ नकद 20,000 रूपये भी दिए गए। खेल को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये हमारा नलबारी जिला का अंदर में बहुत फिटर का जगह है, तो उसमें क्या है इतना आदमी दर्शक मिलेगा हम लोग नहीं सोचा था कि इसमें इतना उत्साह हुआ, तो खेल देखने के लिए बहुत आदमी आया, इसलिए हम लोग कर्मकर्ता लोग बहुत अच्छा लगा। और असम लाइव में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।